तो फ्रेंड्स आज के वीडियो की शुरुआत इस सुंदर से गणेश वाइन के फ्लावर के साथ, जो कि मेरे गार्डन में आज फर्स्ट टाइम काफ़ी लंबे इंतज़ार बाद खिला है। और ये सीड ग्रोन प्लांट है और कुछ और फ्लावर्स आएंगे और बड़ा होगा तो मैं इसके ऊपर केयर के ऊपर वीडियो शेयर करूँगी। और आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर है, जो कि अक्टूबर नवंबर मंथ में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो जैसे आप ये देख सकते हो, ये है रोज़ मेलो हिबिस्कस, ये येलो वाला है। और इस तरीके के जो वेराइटीज़ होती हैं हिबिस्कस की देसी वाली, तो जैसे ये रोज़ मेलो है, या फिर ये आप देख सकते हो लायंस टेल हिबिस्कस है। इसी तरीके से बहुत सारी वेराइटीज़ है, कुछ और भी वेराइटीज़ मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये सभी जो है अक्टूबर नवंबर मंथ में, जब थोड़ा मौसम जो है अच्छा सा हो जाता है, तो फ्लावरिंग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो क्रेनबेरी है, जो कि बहुत ही आसानी से सीड से ग्रो हो जाता है। तो एक बार आप ये प्लांट लगा लेते हो तो मेरे ख्याल से दोबारा कभी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सीड डिस्पर्सल इसमें बहुत ज़्यादा होता है और कहीं ना कहीं आपको किसी पॉट में अपने ये प्लांट ग्रो होता हुआ खुद ब खुद दिख जाएगा। तो ये आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पारिजात है, हार श्रृंगार। तो हार श्रृंगार के तो क्या ही कहने, खुशबू तो इसकी बहुत ही गजब होती है। मेरे ख्याल से जितने भी फ्रेग्रेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो तेज़ खुशबू होती है वो पारिजात की ही होती है, और इसमें भी सीड्स बनते हैं। हालांकि सीड से ग्रो हुए पौधे फ्लावरिंग करने में बहुत समय ले लेते हैं, तो इसीलिए आजकल हाइब्रिड वेराइटीज़ आ रही हैं। तो अगर गमले में लगाना है तो हाइब्रिड प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये दिन का राजा। दिन का राजा भी इस समय अक्टूबर नवंबर के जो मंथ्स हैं, जब मौसम थोड़ा सा अच्छा सा ठंडा सा हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो अगर आपने ये प्लांट लगा रखा है और अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है, तो अब आपको इसमें बहुत जल्दी फ्लावरिंग देखने मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है स्वर्ण चंपा, या सोन चंपा भी बोलते हैं। तो स्वर्ण चंपा भी बहुत ही सुंदर लगते हैं और इनकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अलग तरह सी होती है, जैसे फ्रूटी सी फ्रेग्रेंस होती है। जितने भी फ्रेग्रेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें ये जो स्वर्ण चंपा है, इसकी बड़ी अलग सी खुशबू होती है। तो ग्राफ्टेड प्लांट्स गमले में आसानी से आप इस समय लगा सकते हैं, नहीं लगाया तो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है एक्लिफा हिस्पिडा, और इसका भी बहुत ही बढ़िया फ्लावर्स लगते हैं, और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे अच्छे इस पर फ्लावर्स आ रहे हैं। और ये प्लांट जो है ना, कटिंग से लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें प्रोपोगेट करने का बड़ा शौक़ होता है। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, मैं प्लांट्स मुझे प्रोपोगेट करने का कटिंग्स एयर लेयरिंग तो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए भी बहुत अच्छा प्लांट है ये। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है स्लीपिंग हिबिस्कस, या फिर मिर्ची गुड़हल। और मिर्ची गुड़हल रेड वाला है ये, और पिंक में भी आता है, वाइट में भी आता है। हालांकि पिंक और वाइट इतना कॉमन नहीं है, रेड वाला ज़्यादा आसानी से नर्सरीज में मिल जाता है। फ्लावरिंग सभी में बहुत अच्छी होती है इस समय। यहाँ पर है बटर कप। तो बटर कप वैसे गर्मियों में भी इक्का दुक्का फ्लावरिंग कर रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे मौसम अच्छा हो रहा है और टेम्परेचर डाउन हो रहा है, दिन में तो धूप अच्छी तेज़ रहती है लेकिन शाम को या सुबह अच्छा हो जाता है, तो इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इसी तरीके से ब्लू क्लस्टर वाइन, ब्लू क्लस्टर वाइन में भी इस समय बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। जिन लोगों के भी ब्लू क्लस्टर वाइन में अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है, तो मेरे ख्याल से अब बहुत जल्दी इनमें फ्लावरिंग होगी। थोड़ा बहुत आप इस प्लांट को इस समय फर्टिलाइज़ करें, पोटाश वगैरह दें रेड वाली, तो बहुत ही अच्छी और जल्दी फ्लावरिंग होगी। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये है अपराजिता। तो अपराजिता भी वैसे गर्मियों में भी फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन इस समय जैसे मौसम अच्छा होता जा रहा है तो जो है ज़्यादा नंबर्स में फ्लावरिंग होती है, और इस समय सीड पॉट बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है थनबर्जिया इरेक्टा, और थनबर्जिया इरेक्टा हो या फिर ग्रैंडीफ्लोरा या फिर अल्टा हो, सारी वेराइटीज़ के जो थनबर्जियाज होते हैं वो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं अक्टूबर नवंबर मंथ्स में। और ये हाइब्रिड वेराइटी वाला है, देसी वाला भी होता है, उसके पत्तियों का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो देसी वाला वेराइटी अगर आप लगाते हो तो ज़मीन में लगाओ तो ज़्यादा सही रहता है, गमले में उनमें फ्लावरिंग कम देखने मिलती है। और थनबर्जिया ये अल्टा है, जिसे ब्लैक आइड सूजैन भी बोलते हैं, तो ये बहुत ही इजी टू ग्रो होता है। जितने भी थनबर्जियाज होते हैं उनमें सबसे इजी, क्योंकि इसमें सीड्स बनते हैं, तो सीड्स से बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं।
यहाँ पर है ट्रेलिंग क्रीपिंग लैंटाना, और लैंटाना भी बहुत ही अच्छे लगते हैं और काफ़ी हार्डी प्लांट्स होते हैं, और नर्सरीज़ में काफ़ी सारे कलर्स में आपको ये मिल जाते हैं और सस्ते भी होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है शूटिंग स्टार प्लांट या फिर इरेंथमम लैक्सी फ्लोरम, और ये भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं अक्टूबर नवंबर मंथ्स में, लगाने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है। और नर्सरी में इस समय आपको काफ़ी सारे इसके नए पौधे इस समय देखने मिल जाएंगे। और ये है रुएलिया, रेड वाला रुएलिया है, ये बिल्कुल ही मैक्सिकन पिटूनिया के तरीके से आसानी से ग्रो हो जाते हैं कटिंग से, तो कटिंग्स इसकी जो है थोड़ी सी मोटी अगर आप लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो बहुत ही आसानी से मेरे ख्याल से बच्चे भी लगा सकते हैं, इतनी आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। फिर नेक्स्ट प्लांट है काफ़ी सारे लोगों का फेवरेट, ये स्पाइडर हिबिस्कस, और ये स्पाइडर हिबिस्कस भी जो है अक्टूबर नवंबर में जब मौसम अच्छा हो जाता है तो फ्लावरिंग करते हैं, और इनको ज़्यादा प्रून मत करिए अगर आपने ये लगा रखा है, क्योंकि जो लंबी लंबी ब्रांचेस होती है ना उन्हीं में फ्लावरिंग होती है। इसी तरीके से लॉलीपॉप या श्रिम्प प्लांट्स इस समय आप लगा सकते हो, ये काफ़ी अच्छे कलर ऑप्शंस में नर्सरीज में मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हल्दी कुमकुम, और हल्दी कुमकुम में सीड पॉट्स बनते हैं, तो उनसे बहुत सारे प्लांट्स जो हैं सीड डिस्पर्सल हो के गार्डन में निकल आते हैं। अगर आपने एक बार इसे अपने गार्डन में लगा लिया तो बिल्कुल पिटूनिया के तरीके से ये भी उग जाते हैं। यहाँ पर है मैक्सिकन डेजी, मैक्सिकन डेजी हो या फिर पेरिनियल डेजी जितने भी होते हैं ना, जिन लोगों ने पिछले साल के बचा रखे, जैसे ये मेरा पहले का बचा हुआ प्लांट है और पिछले साल का है, तो अब ये अच्छी फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो इस समय इस तरीके के जो डेजीज जिन लोगों को पसंद है वो अपने कलेक्शन में डेजीज को जगह दे सकते हैं। यहाँ पर है रेलवे क्रीपर, रेलवे क्रीपर जो है ये कई जगह पे वाइल्डली ग्रो होता हुआ भी दिख जाता है, और लेकिन इनके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं, तो आप इन्हें अपने गार्डन में लगा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है वृंदावन चंपा, जिसकी केयर पर मैंने कुछ समय पहले वीडियो भी बनाई थी, आप लोग के साथ शेयर भी करी थी, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी खुशबू आती है और काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, और फुल सन में आप इसे ग्रो कर सकते हैं, गर्मियों में भी फुल सन में ही रहता है ये मेरा प्लांट, और बहुत ही सुंदर इसमें इस समय फ्लावरिंग हो रही है और बहुत ही फ्रेग्रेंट इसके फ्लावर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट प्लांट जो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर मंथ में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं वो है रोज़ेस, तो रोज़ेस की काफ़ी सारी वेराइटीज़ होती हैं, पर हमेशा मैंने काफ़ी सारी पहले भी वीडियोज़ में बोला है कि प्लांट वो प्रेफर करने चाहिए जो कि जब गर्मी बड़े तेज गर्मी होती है ना, दिल का सोना भी खरा, रोज़ेस आप अपने गार्डन में लगाएं, अगर ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते प्लांट को जो गर्मियों में भी सरवाइव कर सके। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मैक्सिकन फ्लेम वाइन, तो मैक्सिकन फ्लेम वाइन का तो क्या ही कहना, कलर आप देख ही सकते हो कितना ब्राइट और ब्यूटीफुल इसके फ्लावर्स हैं, बहुत ही सुंदर लगता है, और जितने सुंदर ये इसके फ्लावर्स हैं उतनी आसानी से ये प्लांट जो है कटिंग से लग जाता है, और बहुत जल्दी मैं इसकी कटिंग से प्लांट्स ग्रो करने पर वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे ख्याल से जितने भी वाइन्स आपने आज तक ग्रो किए होंगे उनमें सबसे ज़्यादा इजी टू ग्रो होता है इसकी कटिंग लगाना, तो ये प्लांट अगर नहीं लगाया है तो बिल्कुल इस समय बिल्कुल ठीक टाइम है, इसे आप लगा सकते हैं। इसके फ्लावर्स आप देखोगे ना एकदम डेजी के तरीके से लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत ही पॉलिनेटर फ्रेंडली प्लांट होता है। यहाँ पर है रैबिट ईयर प्लांट, और रैबिट ईयर का तो क्या ही कहना, ये पॉलिनेटर्स को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बीज, बटरफ्लाइज, हमिंग बर्ड्स, अगर आपको पसंद है अपने गार्डन में देखना चाहते हो आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। यहाँ पर है बारलेरिया या वज्रदंती, इस समय इनमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और इसमें सीड्स भी बनते हैं, तो अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है और आपको कहीं भी दिखता है तो आप उस समय कटिंग से भी लगा सकते हो इसे, या फिर सीड्स से भी लगा सकते हो, सीड्स कलेक्ट करके उनसे भी आप प्लांट ग्रो कर सकते हो और कटिंग भी लग जाएगी, क्योंकि ये फ्लावरिंग का टाइम है, ग्रोथ का टाइम है, इसलिए कटिंग आसानी से लग जाएगी। इसी तरीके से आप जो है राखी बेल जो है अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हो, इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और बहुत सारे कलर्स के साथ, कलर ऑप्शन के साथ ये नर्सरीज में मिल जाते हैं,
रेड भी आता है इसका, आजकल वाइट भी चल गया है और कॉमन है पर्पल वाला, तो वो काफ़ी अच्छी इस समय ये फ्लावरिंग करते हैं। तो फ्लावरिंग करता हुआ भी प्लांट आपको इस समय नर्सरीज में मिल सकता है, तो इसे भी आप अपने कलेक्शन में जगह दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्लांट जो कि अक्टूबर नवंबर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं वो है पेंटास। तो पेंटास आपको इस समय हाइब्रिड वैरायटी और देसी वैरायटी दोनों के जो है प्लांट, बड़े प्लांट्स और छोटे सेपलिंग साइज़ वाले प्लांट भी लोकल नर्सरीज में आप देखोगे तो आसानी से मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।